बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार खालिद अकबर, LOC ट्रेड एंड ट्रैवल, आपसे मुखातब हूँ। सब नाज़रीन को आदाब बरअस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ CBM TV का और बिलखसूस मिर्ज़ा शकील साहब का कि जिन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम आज आपसे मुखातब हैं और अपनी बात कर रहे हैं। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू LOC ट्रेड एंड ट्रैवल, ये वो LOC जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एक ऐसी लकीर है जिसने हमारी रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर, रियासत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। तो यहाँ पर भी कश्मीर के दो हिस्से किए गए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया तो दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के पास चला गया। 2006 से 2007 में इंडिया के वज़ीर आज़म वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एक माहदा तय पाया, एक ट्रीटी तय पाया, और 2008 में कश्मीर में ट्रैवल एंड ट्रेड शुरू किया गया। ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए एक पॉइंट मुजफ्फराबाद से चिकोटी। नज़रें, जब ये ट्रेड एंड ट्रैवल खोला गया तो आप यकीन जानिए कि कश्मीरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेड एंड ट्रैवल के खुलने से 1.5 करोड़ कश्मीरियों के लिए एक अमन की आशा बन के आई और उम्मीद की एक किरण निकली। क्योंकि LOC पर हालात जिस कदर कशीदा रहते हैं, आने वाले